बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। आज मूवी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 2001 की ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी तारा सिंह की कहानी को जारी रखती है, जो अपने बेटे को पाकिस्तान से छुड़ाने के मिशन पर निकलता है। पीरियड आधारित एक्शन ड्रामा में एक बार फिर से तारा सिंह का आइकॉनिक हैंडपंप वाला सीन है, जो दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके अलावा इस बार नए दृश्य भी जोड़े गए हैं, जिसमें सनी पाजी हथौड़े से दुश्मनों को मारते दिख रहे हैं। थिएटर में जब तारा सिंह और सकीना की मूवी खत्म होती है तो लिखा जाता है टू बी कंटिन्यूड, जिसके बाद दर्शकों का इंतजार है तीसरे पार्ट का, कि आखिरकार पूरी फिल्म का तीसरा पार्ट कब रिलीज होगा। अब गदर 3 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। डीएनए के साथ बातचीत में फिल्म की टीम ने बताया है कि हम गदर 3 से क्या उम्मीद कर सकते हैं। निर्देशक अनिल शर्मा इस पर चुप्पी साधे हुए हैं कि क्या सनी देओल की तारा सिंह के रूप में दोबारा वापसी होगी या नहीं। उन्होंने कहा, आपको इंतजार करने और देखने की जरूरत है। वह कहते हैं टू बी कंटिन्यूड फिल्म के दूसरे मुख्य कलाकार उत्कर्ष शर्मा इस पर आगे कहते हैं कि यहाँ मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। टीम का कहना है कि अनिल शर्मा और लेखकों के मन में कुछ तो है, लेकिन यह कैसे आकार लेगा और क्या कुछ आगे होगा, यह कहना जल्दबाजी होगी। वह आगे कहते हैं कि एक अच्छी फिल्म के लिए अच्छी कहानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो कहानी 22 दिन में भी नहीं मिल सकती, या फिर कई साल का भी इंतजार करना पड़ सकता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।